अरे मंत्री बगले में बगले में चल तुम बगल में क्या करता है जी महाराज बाबू हम हरदम बगल में रहे छी महामंत्री शादी समय दरबार में तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं जी कोई मालूम नहीं इस समय दरबार में बुलाने का कारण इस प्रकार है कि हिमाचलपुर शहर में जो भी कार्य करते हैं हम और तुम दोनों मिलकर के करते हैं जी महाराज और तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरा भैया का काम है नित प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम है पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुर्मू भाई के कोटे पर जाना मैं ये नहीं समझा कि किस हरमजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी के कदमों तक पहुंचाया है तो क्या महाराज जी दारू शराब के शिकायत हाँ महामंत्री जी महाराज दारू शराब के शिकायत हम नहीं किए हैं महाराज ओ तो तुम शिकायत करने वाले में से मंत्री नहीं नहीं महाराज लेकिन एक बात याद रहे महामंत्री कि झूठ बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है झूठ बोलने वाले को क्रिया न लगे बाबा झूठ बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है ओ बाबू ये तोरा दादी का बताओ कि तुम गाली किसको दिया बाबू तोरा ना दलियो तब बजाव लाग दलिए बजा वाले को बार बार गाली क्यों दे रहा है बाबू मैं बजा पर ये बाजे चला के क्रिया लग जाता है महाराज और सच बोलने वाले को नहीं लगता है अगर तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा जी बिल्कुल नहीं डरेंगे महाराज जी तो ठीक है महामंत्री इस समय तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल तैयार है क्योंकि हे माँ भगवती कमलराज के बारे में दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो जवानी में दोनों यहाँ का अंधा हो जाए अरे जब तुम शिकायत नहीं किया है तो तुम्हारा आँख खराब नहीं होगा ओ बाबू ये आँख अंधा होने वाला क्रिया हम नहीं खाएंगे ओ जवानी में अंधा होने वाला क्रिया नहीं खाएगा ना महाराज दूसरा क्रिया दूसरा तो हमें तुरंत खा ले तो ठीक है खाने के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल हम तैयार हैं कहो कि हे माँ छठ कमल राज के बारे में दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो जवानी में दोनों हाथ में कुष्ठ रोग हो जाए तो नहीं हाथों से खाएगा अरे बताओ उस बच्चे के ऊपर तुम फट्टा क्यों चलाया ले तो हमरा मारबो तो हम मुरलाक मारबे करबो का है नहीं नहीं तो हमरा मारे छो हां हमरा देख के बहिन बेटा छिछिया बर्दाश्त कीजिए मां से साहब जी हुजूर तो महामंत्री आप बताओ कि पिताजी पैसा देने से इनकार है इनकार है और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम है हराम है जब से यहाँ आया हूँ नहीं को चिलम गांजा नहीं को पेक दारू मुझे खराब है मुझे खराब है तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जो कि समय से मुझे दारू शराब मिले समय से मुन्नी वाई के कोठे तक जाने के लिए पॉकेट में पैसा मिले ओ, तो क्या महाराज जी दारू पीने की रास्ता रास्ता जी महाराज दारू पीने के रास्ता हमारे पास है तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो जी महाराज जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिए आपको टाइम टाइम से दारू मिलेगा महामंत्री जी महाराज अगर दारू शराब के लिए मेरा प्राण तुम्हारे कदमों में निछावर करना पड़ जाए तो निछावर कर दूंगा बात रखना कौन सी भारी बात है तो जी महाराज आप ध्यान से सुनिए चल बोल अभी अभी आपके बड़े भाई दादाश्री के पास सेवा करने के लिए गया है हाँ महामंत्री मेरा भैया और मेरी भाभी इस समय पिताश्री की महल तक पिताश्री की सेवा करने के लिए गए हैं जी जी महाराज यहाँ से आप जाइए अपने पिताजी के पास लगता है घोचू को दिमाग नहीं है तोरे दिमाग से चले दिमाग में भूसा भर गया है तोरा दिमाग में गुद्दा भर गया बता जब पिताजी पैसा देने से इनकार है बार बार तुम मुझे पिताजी के पास भेज रहा है जी वहाँ जाकर घंटा डोलेंगे घंटा के लिए डोले हो तब जाएंगे का है घंटा खाली ही ले हो
अब ज्यादा कही का बार बार तू मेरे साथ मजाक करता है। मजाक? हाँ मजाक की तो हमारा भौजा लागे छो। जी जी महाराज आप समझे नहीं? क्या नहीं समझा? जी महाराज आप यहाँ से जाइए, अपने पिताजी से कहिए और या अपने बड़े भाई से कहिए कि 5,000 रुपया दीजिए। जी 5,000 रुपया नहीं, सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाए। जी महाराज। अरे मंत्री आज जिंदगी में पहली बार तुम मेरे साथ अकलमंद बात किया। जी जी। कहीं ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं। जी महाराज। तभी चीलम थर्रा सब कुछ छोड़ देंगे। बिल्कुल छूट जाएगा। अरे नहर के बगल में धान वाला 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन बेचेंगे बेचेंगे और झारखंड से खम्भा ले आएंगे। बस बस महाराज खाली चलेगा लाले लाल। धंगर शिवला नहीं चलेगा। धंगर शिवला नहीं चलेगा, ये मोहकता है। हाँ इंग्लिश चलेगा, ऊपर से पोठिया मछली चलेगा। तो महामंत्री इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की महल तक गए हैं। जी जी। भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का वर्तलाप करते हैं। महाराज कई सुबह तक में हिमाचलपुर शहर दो भागों में बांटा गया, तुझसे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं महाराज, जा तुम अपना काम करने के लिए। अरे तेरी ना लगवार